नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ पापा मुझे भाभी भाई का प्यार नहीं मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अगर आप इस कहानी का भाग एक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग आपको कल मिल जाएगा। नेहा ने सोचा कि सबको सरप्राइज दूंगी, सब अचानक देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। रास्ते भर उसका दिल बल्लियाँ उछल रहा था, साथ ही माँ पापा को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। कैसे होंगे, वैसे तो फ़ोन पर रोज़ बात होती है, वीडियो कॉलिंग भी हो जाती, पर सामने देखे कितना समय हो गया, जाते ही अपनी फरमाइशें चालू कर दूंगी। पता है माँ के पैरों में अब वह ताकत नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो बनवा ही लूँगी। बहुत दिन हो गए उनके हाथ का खाना खाए और उन्हें भी कहाँ चैन आएगा बनाए बिना। इस बार उनसे करी का अचार डालना सीखूंगी, आखिर वो भी कब तक भेजेंगी, कभी ना कभी तो मुझे ही बनाना होगा। पर उनके हाथ जैसा स्वाद आ पाएगा ना जाने, और क्या क्या बातें उसके दिमाग में चल रही, ऐसा करूंगी वो करूंगी, माँ से ढेर सारी बातें करनी है। सोचते सोचते नेहा का मायका आ गया। जैसे ही नेहा की गाड़ी मायके के दरवाजे पर आकर रुकी, उसका दिल खुश हो गया। उसने फटाफट से दरवाजे की घंटी बजाई। एक एक पल उसको भारी लग रहा था। उसका भतीजा भागता हुआ आया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने बुआ को देखते ही खुशी से चिल्लाया, बुआ आप अचानक, दादी देखो कौन आया, बुआ आई हैं। मीनाक्षी जी और शेखर जी ने सुना तो एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ, फिर जब उन्होंने अपनी आँखों से देखा तो नेहा को देख उनकी आँखें डबडबा आईं। पर अगले ही पल मीनाक्षी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। वो चिंतित सी बोली, बेटा अचानक से सब ठीक तो है, तूने बताया क्यों नहीं, क्या हुआ? क्यों माँ, मैं अचानक नहीं आ सकती, नेहा ने बनावटी गुस्से से कहा। मीनाक्षी जी प्यार से झिड़की देती बोली, क्यों नहीं आ सकती, जब तेरा मन होता बा, तेरा ही तो घर है। और दोनों माँ बेटी गले लग गई। बस बस अब उसे सांस तो लेने दे, आते ही सवालों की झड़ी लगा दी, पानी ला उसके लिए थक गई होगी, शेखर जी ने मीनाक्षी जी को कहा, और मीनाक्षी जी लड़खड़ाते हुए पानी लेने चली गईं। नेहा उन्हें जाती देखती रही, सच कितनी बदल गई माँ, वो तो कैसे इधर से उधर तेज तेज कदमों से चलती थी, और अब सच समय के आगे सब बेबस हैं, और बेटियाँ तो अपने माँ बाप के बूढ़े होने के एहसास से ही सिहर जाती हैं। पापा भी कितने दुबले लग रहे हैं, बालों की सफ़ेदी उनकी कहानी कह रही है। नेहा बोली, पापा आप बाल काले क्यों नहीं करते, अब आप तो ऐसे नहीं रहते थे, माँ आपका ध्यान नहीं रखती होंगी। अरे बेटा आप क्या करना बाल रंग के, इससे असलियत थोड़ी ना छिपेगी। नहीं पापा, जैसा मन रखोगे वैसा ही शरीर रहेगा। माँ पानी लेने गई, इधर नेहा ने महसूस किया उसका घर काफ़ी बदल चुका है। छुट्टी का दिन है पर भैया भाभी कोई नहीं दिख रहा, जबकि भतीजे ने पूरे घर में तूफान मचा दिया था। उसकी नज़रों को भाप से खर्जी बात बनाते हुए बोले, बेटा सब अपने अपने में व्यस्त होंगे, किसी को मालूम नहीं था ना कि तू आने वाली है। तब तक उसके दोनों भैया भाभी भी आ गए। दोनों भाइयों को देख नेहा उनके गले लग गई। बड़ी भाभी बोली, दीदी अचानक कोई खबर नहीं? उन्होंने एक नज़र उसकी अटैची पर डाली और पूछा, दीदी आपका कुछ दिन रुकने का प्रोग्राम है? नेहा को भाभी का इस तरह पूछना थोड़ा अजीब लगा, वो झिझकते हुए बोली, हाँ भाभी यहाँ कुछ काम था इसलिए। जाने आज पहली बार नेहा को झिझक हुई, ऐसा क्यों हुआ? तभी भाभी बोली, अरे वो क्या है, बच्चों की परीक्षाएं हैं वैसे ही नहीं पढ़ते, और कोई मेहमान आ जाए तो बस। पता नहीं नेहा को अपने लिए मेहमान संबोधन अच्छा नहीं लगा, वह बोली, चिंता मत करो भाभी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अरे नहीं दीदी वह बात नहीं है। तभी नेहा का छोटा भाई बोला, अरे खाना तो लगाओ, बोल मोटी क्या खाएगी? दोनों भाभी बोली, खाने में तो देर हो जाएगी, वो क्या है अभी रसोई समेटी ही है, या तो बाजार से कुछ मंगवा लेते हैं। बोलो दीदी क्या खाओगी, अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, नेहा ने अपनी भर आई आँखों को संभालते हुए बोला। भाभी मुझे भूख नहीं और अभी मुझे कुछ खाना भी नहीं है, रास्ते में खाना खा लिया था, मम्मी जी ने जबरदस्ती रास्ते के लिए खाना बांध दिया था। सच ये बेटियां कितनी सफाई से झूठ बोल जाती हैं, मायके में ससुराल का मान रखती हैं और ससुराल में मायके को नहीं झुकने देती। तब तक बड़े भाई ने नौकर को भेजकर बाजार से नाश्ते का ऑर्डर कर दिया।
काफ़ी देर तक सब बात करते रहे। इसी बीच नेहा ने महसूस किया माँ पापा की बेबसी, जैसे इस घर में वह भी एक मेहमान से हो गए। सबके जाने के बाद नेहा की माँ ने अपनी बेबसी जताई। बेटा, तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं बना सकती, रसोई भी तो अलग अलग है दोनों की, कैसे उनकी रसोई में जाऊँ और फिर किसकी में बनाऊँ किसकी में नहीं। माँ की आवाज़ में उनकी बेबसी झलक रही थी। उनकी बात से नेहा का दिल भर आया, पर उसने उनको जाहिर नहीं किया और बात बनाती बोली, सच माँ मुझे भूख नहीं है, तू तो मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। जितने दिन नेहा वहाँ रही उसने महसूस किया कि माँ पापा भी अब एक तरह से भाई भाभी के अधीन हो गए, उनके हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी की दिशा तय कर ली। भाई भाभी उसका बहुत ध्यान रखते, तरह तरह के व्यंजन बनाए, पर उसमें वो अपनापन, वो मिठास की कमी लगी। नेहा भी जिस हक से अपनी माँ से फरमाइशें करती वह सब खत्म सा हो गया। अब ना वो कुछ नखरे करती ना फरमाइशें, जो सामने आता वह खा लेती। पता नहीं उसको भी एक झिझक सी हो गई, जो आज़ादी बचपना अल्हड़पन जीने वो यहाँ आती, अचानक से वहाँ एक झिझक एक हिचक समा गई। इससे ज़्यादा आज़ाद तो वो अपने ससुराल में रह लेती है, कहाँ वो माँ पापा को सरप्राइज़ देने आई थी और कहाँ वो खुद सरप्राइज हो गई। उसको अपना मायका बदला बदला लगा, हमेशा यही लगता कहीं एक भाभी के चली जाऊँ तो दूसरी को बुरा ना लग जाए, दूसरे के खा लूँ तो पहली को बुरा ना लग जाए। माँ के सामने तो ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं लगी, इस अच्छे बुरे की फ़िक्र से दूर होने के लिए ही तो वो मायके आती थी। पर यहाँ भी ऐसे ही दिन निकल गए और उसका जाने का समय आ गया। पहले तो रास्ते के लिए उसकी माँ खाना बांट देती, इस बार भाभियों ने पैसे दे दिए। दीदी, इतनी सुबह सुबह खाना तो नहीं बन पाया, आप रास्ते से कुछ लेकर खा लेना। नेहा ना उन पैसों को लेने को मना कर पाई और ना हाँ, बस किसी तरह वो पैसे मुट्ठी में भींच लिए, जैसे वो पैसे उसे चिढ़ा रहे हों, कह रहे हों हर चीज़ पैसों से थोड़ी ना खरीदी जा सकती, उन पैसों में कहाँ वो स्वाद था। नेहा गाड़ी में बैठी तभी उसका बड़ा भाई बोला, नेहा, पापा की वसीयत के कागज इसी हफ्ते बनकर आ जाएंगे, कोशिश तो यही थी कि तेरे सामने आ जाते ताकि तुझे हस्ताक्षर के लिए दोबारा नहीं आना पड़ता, पर किसी वजह से देर हो गई, मैं कोरियर कर दूंगा, तू साइन कर देना। तेरी इच्छा के अनुसार पापा ने वसीयत हम दोनों में बांट दी, पर तेरे साइन भी ज़रूरी हैं, भविष्य में कोई बात ना हो। नेहा ने भाई को गर्दन हिलाकर हामी भर दी और माँ पापा पर नज़र डाली। दोनों नेहा को ऐसे देख रहे जैसे साल भर के लिए आंखों में भर लेंगे। आज पहली बार माँ ने नहीं पूछा कब आएगी। भले नेहा ने उनसे कुछ नहीं कहा हो, पर वो नेहा के आंखों की उदासी भाप गई थी। माँ जो थी और नहीं चाहती थी कि नेहा यहाँ आकर वापस दुखी हो, इससे तो वो अपने घर में खुश रहे। वो दोनों तो बेटी की खुशी में ही खुश थे। जब भी नेहा मायके से आती थी एक नई ताजगी से भरी होती थी, पर इस बार अपने अंदर बहुत तूफान समेट कर लाई थी, क्योंकि जिस मायके में वो जाती थी वह तो शायद कहीं खो सा गया था। क्या अब कभी वो मायका वो एहसास नहीं जी पाएगी? और अभी तो माँ पापा हैं तब ये हाल है, अगर इन्हें कुछ नहीं, नहीं, इस कल्पना मात्र से ही उसके बदन में सिहरन सी दौड़ गई। रात को जब नेहा के पति सागर आए तो वो नेहा को यूँ उदास देख चिंतित हो गए, आंखों ही आंखों में उदासी का कारण पूछा। पर नेहा ने भी अपनी आंखों से आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। पर सागर से नेहा की उदासी छिपी नहीं, सबके सामने तो वो कुछ नहीं बोले, पर कमरे में आते ही उन्होंने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो नेहा ने बात टालने की कोशिश करी। चाहे वो सागर से हर बात साझा करती, पर ये बात समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। पर जब सागर ने उसे बहुत टटोला तो नेहा, जो अपने को इतने दिन से समेटे बैठी थी, अपने सागर के आगे बिखर सी गई। उसकी आंखों से आंसू की दो बूंदें सागर के हाथों पर लुढ़क आई। सागर ने उनको बहुत सावधानी से उठाया और उससे बोला, ये क्या, तुम्हें आखिर किसने हक दिया मेरी नेहू की आंखों में मुझसे पूछे बिना आने का? आखिर मेरे होते हुए तुम नेहू की आंखों में कैसे समा गए? उसकी ऐसी हरकत देख नेहा सब भूल जोरों से खिलखिला पड़ी। उसको हंसते देख सागर बोला, थैंक गॉड तुम हंसी तो सही, मैं तो तरस गया था, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? माँ पापा की याद आ रही है, अगर अभी आने का मन नहीं था तो कुछ दिन और रुक जाती। माना तुम्हारे बिना इस बंदे का मन नहीं लगता, पर तुम्हारी खुशी के लिए ये कुर्बानी भी दे देते। कहते हुए उसने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। तुम्हें पता है जब तुम नहीं थी तो वो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ही आंखों के आगे आता,
फिर ये उदास चेहरा देखा तो दिल बैठ सा गया, तुम यूं ही हंसती रहा करो। सागर का इतना प्यार देख नेहा भी कुछ देर को अपना गम भूल गई और उसकी बाहों में समा गई। सच कितने सुख की अनुभूति हो रही थी उसे, इतने दिन से जो कुछ सह रही थी इन क्षणों में वह जैसे सब कुछ भूल गई। और सागर भी उसे प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा, बताओ ना नेहा आखिर क्या बात है। नेहा ने उसे सारी बात बताई जो उसने इस बार मायके में महसूस करी, माँ पापा की बेबसी, उसकी झिझक, अपने ही घर में भराएपन का एहसास, कितना दिल दुखा उसका। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सागर बोला, देखो नेहा मैं मानता हूँ ये सब देख तुम्हें दुख हुआ होगा, तुम्हारा दिल टूटेगा, पर यह भी पता है परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। अरे आज नहीं तो कल बदलेगा, तुम ना ज़्यादा चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। और मेरे होते हुए चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि और किसी के प्यार की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सब अच्छा होगा। नेहा को समझा सागर तो सो गया, पर नेहा अभी भी और पलक अपनी सोच में डूबी थी। सागर को कैसे समझाऊं, शायद वह नहीं समझ पाएगा उसका एक बेटी का दर्द, उसकी भावनाएं, क्यों आखिर क्यों एक समय के बाद मायके में ये एहसास खो से जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मायका जिंदगी भर वही सुखद एहसास दे, कभी भी वहां पर परायापन वो झिझक महसूस ही ना हो। नेहा के मस्तिष्क में विचारों का झंझावात चल रहा था, पता नहीं कब तक वो यूं ही एकटक अपने विचारों में खोई छत को एकटक निहारती रही। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और वह सागर के सीने पर सर रखकर नींद के आगोश में समा गई। उसको अपने मायके से आए हफ्ता भर ही हुआ था, एक दिन कोरियर से उसके मायके से कुछ कागजात आए। नेहा ने खोल कर देखा तो पापा का वसीयतनामा था जिस पर उसको हस्ताक्षर करने थे। वो कागजों को उलट पुलट देख ही रही थी कि उसके मोबाइल पर उसके भैया का भी फोन आ गया। जब उनको पता चला कि कागजात मिल गए तो वो नेहा से बोले, नेहा तुम जल्दी से जल्दी इन पर हस्ताक्षर कर कुरियर कर दो, जितनी जल्दी हो या कागजी कार्यवाही पूरी कर लें। नेहा ने भाई को कह दिया कि वह कल ही कुरियर करवा देगी। उसने पेपर्स को अपने कमरे की ड्रॉअर में रख दिए, रात को आराम से साइन कर देगी और कल ही कुरियर कर देगी। काम करती वो सोच रही, पापा मम्मी ने कितना कहा था, बेटा तू भी अपने हिस्से में से कुछ तो ले, ये तेरा हक है। पर नेहा ने साफ मना कर दिया, उसको पापा की संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए। सागर से भी उसने पूछा था कल को कहीं उसको आपत्ति हुई तो, पर वो भी तो यही बोला, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और वैसे भी ये तुम्हारा मामला है, मैं नहीं बोलूँगा, बस तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। सच कितना सुलझा हुआ है सागर, कभी भी उसको शिकायत का मौका नहीं देता, हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता है। इस समय उसको सागर की कमी महसूस हो रही थी, किसी काम से वो शहर से बाहर था। रात को नेहा अपने कमरे में आई, उसने ड्रावर से पेपर्स निकाले, वो उन पेपर पर साइन करने ही वाली थी कि अचानक अपने बचपन में चली गई। सच समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है, पहले किसी भी चीज़ को तीनों भाई बहन में बांटती हो तो कितना लड़ते थे, आखिर नेहा लड़ झगड़ कर सबसे ज़्यादा ही ले लेती थी। भाई हमेशा माँ पापा से यही कहते, आप तो नेहा को ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। नेहा कितनी चिढ़ती थी दोनों भाइयों को, पर फिर धीरे धीरे अपनी वो चीज़ दोनों में बांट देती थी। माँ पापा कहते, देखा इसलिए नेहा को ज़्यादा देते हैं, पता है वो तुमको ही देगी। सच कितना निश्चल प्रेम होता था वो बचपन का, ना कोई मनभेद, ना तेरा मेरा, पल में लड़ाई, पल में सुलह। काश ये बचपन कभी जाए ही नहीं, ना कोई बंटवारा हो, ना ये वसीयत, ना पैसा। कितना प्यारा लगता है सबको ये पैसा, पर ये पैसा ही है जो अपनों को अपनों से अलग कर देता है, मन मुटाव कर देता है, शक के बीच डाल देता है, लड़ाइयाँ करवा देता है। अभी उसके दोनों भाई उससे कितना खुश हैं, भाभियाँ भी कितनी तारीफ कर रही थी, पर क्या अगर वह अपना हिस्सा मांग लेती तब भी ऐसा ही रहता, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही, आखिर उसको भी तो अपना हिस्सा मांगना चाहिए, ऐसे कैसे वो सब कुछ सौंप रही है, वह भी बराबर की हिस्सेदार है। और अब तो कानून भी बन गया, वैसे भी इस बार जो कुछ महसूस करके आई उन सब ने उसको दोबारा अपने निर्णय पर सोचने पर मजबूर कर दिया, अपना भविष्य सुरक्षित करने, अपना मायका जो कि उसका हक है, आखिर ऐसे कैसे छोड़ दे अपना हक, वो अपना हिस्सा लेकर रहेगी। और उसने कुछ सोच पापा को फोन मिला दिया। नेहा की बात सुनते ही पापा सन्न रह गए, ये क्या बोल रही है तू नेहा,
आखिर नेहा ने अपने पापा से ऐसा क्या कहा? क्या नेहा ने मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया? क्या भाई भाभी और नेहा के रिश्ते में दरार पड़ गई? जानने के लिए देखिए कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, अगर आप कहानी का तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।